हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मेरे केज की सफाई हो रही है। वैसे भी वीकली अपनी जो बर्ड्स एवरी है, बर्ड्स के जो जितने केजेस हैं उनकी सफाई वगैरह करते रहना चाहिए। उससे एंटी वायरस एंटी बैक्टीरियल वगैरह नहीं होता, इससे बर्ड्स भी हेल्दी और एक्टिव रहते हैं और अच्छे सेहतमंद रहते हैं। अगर हम अपने बर्ड्स की इसकी टेक केयर नहीं करेंगे, उनके अंदर जुएं पड़ जाएंगी, कीड़े पड़ जाएंगे जो उनका खून चूसते हैं, और ये बहुत ज़्यादा बर्ड्स डिजीज़ की तरफ चला जाता है और स्ट्रेस की तरफ चला जाता है। ब्रीडिंग भी अच्छी नहीं करता, उसकी प्रोग्रेस डाउन हो जाती है, और ना तो वो अच्छी ब्रीड करता है और ना ही वो अपने बच्चों को अच्छा पालता है। सबसे पहले आप है ना उनके बर्तन निकालें, सारे पानी के दाने के बर्तन निकालें, और उसके बाद अगर आप चाहें तो उसकी ट्रे निकाल के भी सफाई कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। तो खैर, ये है वर्कोनेस 2 ग्राम 1 लीटर में डलता है, और ये है सैगवान। ये बेसिकली जुएं शुएं जो बर्ड्स में हो जाती हैं, माइल्ड्स हो जाती हैं, ये उनके लिए है। 1 ग्राम 1 लीटर वाटर में देना है, 1 लीटर पानी में ये डलता है, 1 ग्राम 1 लीटर पानी में। ये बर्ड्स के लिए है, ये जुओं के लिए होता है, वो एंटीवायरस एंटी बैक्टीरियल वगैरह को रिमूव करता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने इनके बर्तन वगैरह निकलवा लिए, एक साइड पे करवा दिए, और आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। उनके बर्तन, दाने के पॉट्स वगैरह सब कुछ बाहर निकाल के फिर आपने ना स्प्रे करना है इनके ऊपर, बर्ड्स के ऊपर भी और केज के भी ऊपर, और केज के सराउंडिंग में इधर उधर जहाँ पे आपको ठीक लगे वहाँ पे ना स्प्रे अच्छी तरह करना है, ताकि एंटी बैक्टीरिया वायरस वगैरह जो भी हो वो सब खत्म हो जाए। बाकी फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारा ब्रीडिंग सीजन से पहले आपने करना है। जिसने मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज आप मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने बर्ड्स के ऊपर स्प्रे करना है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है बर्ड्स की, बेशक आइज के ऊपर भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है। बाकी आप लोग देख रहे होंगे यार, सामने प्राइम भी रखी हुई है, वो किस लिए है? वो असल में है ना, मेरे पास ये स्पून नहीं था 1 ग्राम वाला, तो मैंने उसमें से ये चम्मच निकाला है, 1 ग्राम वाला चम्मच प्राइम के अंदर से निकाला है। ये अब मैं सागवान डाल रहा हूँ 1.5 लीटर की बोतल में। ये देखे फ्रेंड्स, वर्कोनेस ये डाल रहा हूँ मैं 2 ग्राम 1 लीटर में। बाकी फ्रेंड्स, आप ये केज बाय केज सारे बर्ड्स को आपने इसी तरह सबको स्प्रे करना है, सारी चीज़ें निकाल के जैसे मैंने आपको बताया है, सब पे इसी तरह स्प्रे करना है। इनके खुराक के बर्तन, पानी वाले बर्तन सब बाहर निकाल के इस तरह सबके ऊपर स्प्रे अच्छी तरह करना है, और इनकी ट्रे वगैरह के ऊपर भी अच्छी तरह स्प्रे करना है, ताकि वायरस वगैरह जो एंटी बैक्टीरिया वगैरह है, जुएं शुएं जो भी है वो सब खत्म हो जाए। तो बाकी फ्रेंड्स, ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ वर्कोनेस और सागवान, ये बेसिकली बर्ड्स के साथ साथ जानवरों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और भी जिस तरह माइल्ड्स वगैरह होती हैं, जुएं होती हैं, खासतौर पे भेड़ बकरियां वगैरह, उनके ऊपर भी किया जा सकता है ये। तो बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। अब मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पर। अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।